हेलो गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं काजू कतली एक अलग ट्विस्ट के साथ। हमने इस पे चांदी वर्क नहीं लगाया है, तो चलिए काजू कतली की रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक कटोरी काजू लिया है, आप कोई सा भी काजू ले सकते हैं, और इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फाइन पाउडर दिखेगा, और अब हम इसे एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। सारे पाउडर हमें फाइन पाउडर मिल जाएंगे। इस तरह से अब चलाते हुए से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए, और अब हम ये देखिए हमें फाइन पाउडर मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और बचा हुआ रख देते हैं साइड में। ये हमने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है, और इसी में हमने 1 कप दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके इसकी एक बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे ताकि लम्स ना पड़े, और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद ऐसा कुछ कंसिस्टेंसी दिखेगा। चलिए एक पैन में हम घी डाल लेते हैं, और उसमें ये मिल्क पाउडर का मिक्सचर डाल देंगे आप, और इस तरह से हमें इसे लो फ्लेम पे कुक करना है, चलाते रहना है हमें इसे। और ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया इस तरह पे। अब हम चीनी डाल देंगे, 1/4 हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर तो मीठा होता है। अब ये काजू मिक्सचर हम जो हमने पाउडर रखा था वो डाल देंगे, और डालकर इसे धीमी आँच पे ही 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए इस तरह से पैन को छोड़ने लगेगा। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम घी डाल देंगे, और इस तरह से चलाइए। देखिए पैन को छोड़ने लगा है, थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मिक्सचर निकाल के चेक कर लेंगे, थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से पकड़ सकता है, जलने भी लग सकता है। धीमी ही आँच पे हमें इसे अच्छे से परफेक्टली कुक करना है, और जब ये इस तरह से थिक रोल बनने लगे हाथ में ना चिपके तो ये तैयार हो गया। इसे एक बटर पेपर पे हमने ऑयल से घी लगा के ग्रीस कर लिया था, और इसे इस तरह से आटे की तरह हमें इसे मढ़ना है इस तरह से, ताकि ये शाइन ऊपर से इसमें आने लगे। इस तरह से खूब अच्छे से मढ़ लीजिए, ठंडा होने के बाद ही ये प्रोसेस हमें करना है, जब ये पूरी तरह से थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए, चलिए इसके ऊपर एक थोड़ा सा हाथ से फैला लेते हैं। हाथों से फैलाने के बाद अब एक हम बटर पेपर इसके ऊपर लगा लेंगे। और अब बेलन से इस पर हल्का सा बेल लेते हैं, बहुत पतला हमें नहीं बेलना है, थोड़ा ना बहुत थिक, मीडियम साइज का रहेगा। हल्का सा बस ऐसे बेलना है हल्के हाथ से। चलिए आपको दिखाते हैं बटर पेपर हटा के, ये देखिए इस तरह से, और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे तब हम कट करेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, चलिए इसे आप चाहे तो जैसे भी शेप में कट कर सकते हैं, लेकिन काजू कतली इस तरह से कट कर लीजिए, डायमंड शेप में ही अच्छी लगती है। इस तरह से सारे हमने कट कर लिए हैं, और एक प्लेट में इसे इस तरह से सजा लीजिए। इस रक्षाबंधन घर पे ही काजू कतली बना सकते हैं। हमने ये केसर के धागे भिगो दिए थे पानी में थोड़ा सा, और ऊपर से ट्विस्ट हमने इस पे चांदी का वर्क नहीं लगाया है। मेरे पास चांदी का वर्क नहीं अवेलेबल था, और मैंने केसर के कलर से इसे ट्विस्ट नया दिया है। आपको कैसी लगी है रेसिपी? अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने और भी मिठाइयों की रेसिपी दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।